हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो अरेस्ट हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया है, तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया है, ज्योतिषीय कारण क्या क्या थे अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के पीछे, इसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो अपने वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं, व्यू करते रहते हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको शो कर रहा होगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। न्यूली हमने वेबसाइट भी अपनी स्टार्ट करी है। तो चलिए आगे चलते हुए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के बारे में। तो देखिए, अगर हम अरविंद केजरीवाल जी के जन्म की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म है वो 16 अगस्त 1968 को हुआ था और इनका जो जन्म था वो सिवानी हरियाणा के अंदर हुआ था। तो ये इनका जन्म का डिटेल है और इनका जो जन्म है वो कृतिका नक्षत्र के अंदर हुआ है, जो कि सूर्य भगवान का नक्षत्र माना जाता है। अब अगर हम इनकी लग्न के ऊपर चलते हैं, देखिए लग्न जो इनका D1 का चार्ट है, लग्न के ऊपर चलते हैं तो इनका जो लग्न है वो लियो का लग्न है, यानी कि सिंह लग्न है। तो देखिए, जो सिंह लग्न वाले जातक होते हैं, हमारे सिंह लग्न वाले जितने भी हमारे जातक हैं, वो काफी ज्यादा नए इनिशिएटिव लेने वाले और काफी ज्यादा गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने वाले होते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वो गवर्नमेंट को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो रुझान था सरकारी नौकरी की तरफ, सरकार की तरफ, वो काफी ज्यादा इससे भी आता है, क्योंकि उनका जो लग्न है वो सूर्य का लग्न है और लग्न में ही इनके तीन काफी बलवान ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र ग्रह और मरकरी, जुपिटर वीनस और मरकरी जो है इनके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। अब लग्न के अंदर इतने ज्यादा अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, देखिए तीनों बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, जुपिटर भी सौम्य ग्रह है, मरकरी भी सौम्य ग्रह है और जो वीनस है वो भी एक सौम्य ग्रह है। तो तीनों सौम्य जो ग्रह है, यानी कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, वो लग्न के अंदर इनके बैठे हुए हैं। तो जुपिटर जो होता है, हमें पता है कि बुद्धिमानी का प्रतीक होता है, विजडम का प्रतीक होता है, तो वो इनके लग्न के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि जो इनका जो सोचने का तरीका है, काफी ये सोचने से बुद्धिमान है और काफी ज्यादा इनका जो एक सोच है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाली इनकी सोच है, ऐसा इनका चार्ट देख के यहाँ पर हमें पता चलता है। साथ में मरकरी और वीनस भी बैठे हुए हैं। अभी मरकरी है तो होता है तो इंसान जो होता है अपने काम काज के अंदर काफी निपुण होता है और इंसान का जो एक इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो मरकरी भी यहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मरकरी भी लग्न में बैठे हुए हैं। साथ में शुक्र ग्रह का भी प्लेसमेंट है इनके लग्न के अंदर। अब जब लग्न के अंदर देखिए शुक्र ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा जो इंसान होता है वो खाने पीने का भी काफी ज्यादा शौकीन होता है, तो ये खाने पीने के भी शौकीन है और मिठाई तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। तो और जो शुक्र ग्रह होता है वो इंसान की जो सोच है वो काफी ज्यादा विशाल करने में, शुक्र और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है इंसान की सोच को काफी बड़ा कर देते हैं। और साथ में जब जुपिटर भी आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जुपिटर मरकरी और वीनस का, जिससे इंसान की जो सोच है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव ग्रह हैं, जुपिटर का साथ भी मिल चुका है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है और एक जैसे वीनस के साथ में है तो वीनस की जो पावर है वो भी इनके साथ में है, तो काफी अच्छा इनका लग्न है। उसके बाद में देखिए इनके जो सूर्य ग्रह है ये इनके 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि लग्न के स्वामी है इनके सूर्य ग्रह है वो इनके 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए जो 12वां ग्रह होता है, 12वां जो घर होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं देखिए जेल को डिनोट करता है, तो आगे हम स्टडी भी करेंगे इसको। जेल में जाने का कारण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लग्न के स्वामी है सूर्य वो इनके 12th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। जो सूर्य होते हैं वो सरकार के कारक होते हैं और 12th हाउस जेल का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं सरकारी पद पर रहते हुए भी इनको जेल जाना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इसकी वजह से जेल गए हैं। लग्न का स्वामी जब भी 12वें घर में जाता है तो ऐसा इंसान जो होता है 12वां घर देखिए डोनेशन का होता है, दान पुण्य का होता है, लोगों के लिए कुछ करने का होता है, तो कहीं ना कहीं इनके माइंड के अंदर भी कहीं ना कहीं हमेशा से लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए अच्छा करना और इस तरह के ख्याल बहुत ज्यादा रहे। और ये काफी ज्यादा देखिए धर्म से भी काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, 12वां घर जो होता है वो गुरु के आश्रम का होता है, तो वहां से भी इनको लाभ देखने को मिलता है। उसके बाद में देखिए इनका एक कुंडली में जो काफी डिसाइडिंग फैक्टर बना वो इनका 9वें घर में जो शनि और चंद्रमा की युति है इनके चार्ट के अंदर। शनि और चंद्रमा की जो युति होती है, अगर ये युति किसी इंसान की कुंडली में बन जाती है तो देखिये सबसे पहला काम तो ये करती है कि जो इंसान का मन होता है मन के अंदर सेवा भाव उत्पन्न करते हैं,
क्योंकि देखिए शनि जो होता है वो सेवा का कारक होता है और जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। तो मन और सेवा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर बहुत ही बड़ा सेवा भाव है, क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति इनकी कुंडली के अंदर बन रही है। चाहे पब्लिक कुछ भी कहे और चाहे कोई भी न्यूज़ पे आप कुछ भी देखें, लेकिन कुंडली जो है वो असली चीज बताती है, शनि चंद्रमा की युति है। ऐसा इंसान जो होता है सेवा कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा तत्पर रहता है। और इसमें सोने पर सुहागा क्या है कि जो जुपिटर बैठे हुए हैं लग्न के अंदर, उनकी नवी दृष्टि जो है वो शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के ऊपर पड़ रही है। अब सेवा भाव जो होता है वो उत्पन्न जुपिटर ने कर दिया है, जुपिटर विजडम का कारक है, जुपिटर ने विजडम प्रोवाइड कर दी है। और शनि और चंद्रमा की जो युति है उसने इनको जो देश की सेवा है उसके लिए इन्हें काफी ज्यादा आगे बढ़ाया है। और इसीलिए ये इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है अपना देश के लिए इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। पहले आंदोलन किया इन्होंने 2011-12 में, अपनी सरकार बनाई और 10 साल के भीतर ही इन्होंने दो राज्यों के अंदर सरकार बनाई और दिल्ली जैसे देश के सबसे बड़े यूनियन टेरिटरी के अंदर ये चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंच गए, जिसमें काफी ज्यादा सपोर्ट इनका जो लग्न है जुपिटर वीनस मरकरी का और शनि और चंद्रमा की जो युति है उसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला। अगर हम बात करें, देखिए अगर आपने इनकी स्पीच सुनी होगी, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो स्पीच होती है, स्पीच इनकी थोड़ी सी फायरी मोड में रहते हैं, या मेरे थोड़ा सा अग्रेसिव इनकी स्पीच होती है। और इनकी जो स्पीच होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेटिंग करनी, लोगों को थोड़ा सा ये अग्रेशन प्रोवाइड कराने वाली, गुस्सा दिलाने वाली स्पीच देते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि इनके जो 12वां घर है, देखिए 12वें घर में सूर्य और मंगल की युति इनके घर में बैठी हुई है। अभी देखिए सूर्य और मंगल की जो युति होती है, सूर्य भी गर्म प्लेनेट होते हैं, मंगल भी गर्म प्लेनेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी बढ़ाते हैं सूर्य और मंगल। अब देखिए सूर्य मंगल जो एक साथ जब आकर बैठ गए 12वें घर के अंदर, सूर्य और मंगल की जब इनकी कुंडली के अंदर युति हुई तो इनकी जो स्पीच है वो काफी ज्यादा विस्फोटक तरह की हो गई। यानी कि सरकार के बारे में, जैसे सूर्य सरकार भी होता है, मंगल थोड़ा सा रिवोल्ट होता है, तो ये जो करंट सरकार है बीजेपी की उसके अगेंस्ट बहुत ही भाषण जो है काफी ज्यादा देते रहते हैं, लोगों को प्रोवोकेट करने वाले भाषण देते रहते हैं, गुस्सा दिलाने वाले भाषण देते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो सूर्य और मंगल की युति है इनके 12वें घर के अंदर, उन्होंने इनकी जो वाणी है उसके अंदर काफी ज्यादा एग्रेशन भर दिया है। वाणी का कारक मरकरी भी होता है, जो कि देखिए अगले ही घर के अंदर बैठा हुआ है, लग्न में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वाणी है उसके ऊपर इनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और देखिए आपने ये भी देखा होगा कि थोड़े से कठोर दिल के हैं ये व्यक्ति जो है, थोड़े से कठोर दिल के व्यक्ति हैं। देखिए देश प्रेम में काफी ज्यादा देश प्रेम है, देश की सेवा भी करना चाहते हैं और देश के लिए एक अच्छा विचार भी है इनका, लेकिन एक हृदय में कठोरता है। जैसे कि अगर हम मोदी जी की स्पीच सुनेंगे तो वो बोलते बोलते कई बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उनकी बात सुनकर कभी कभी हम लोगों की आंख, मेरी आंसू आंखों में भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं, इतना कोमल तरीके के साथ में बात करते हैं। लेकिन इनकी जो स्पीच होती है थोड़ी कठोर होती है। वो कठोरता क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो शनि और चंद्रमा की युति है इनके 9वें घर के अंदर, शनि जो होता है वो कठोरता का कारक होता है, शनि ड्राइनेस का कारक होता है, जो इमोशंस को ड्राई कर देता है, इमोशंस को कठोर बना देता है। तो इनका जो माइंड है, इनका जो मन है वो पूरी तरह से कठोर हो चुका है, क्योंकि उनके अंदर वहां पर शनि देव बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में, इसीलिए थोड़े से कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं। इमोशंस इनके अंदर कम है, लेकिन देश प्रेम में, देश की सेवा करने का जज्बा तो पूरा इनके अंदर है। तो ये हमने देखिए थोड़ा सा कुंडली के बारे में इनकी समझा। अभी एक बार इनका थोड़ा गोचर समझते हैं कि अरेस्ट इस समय क्यों हुए हैं। तो देखिए अगर हम अरेस्ट की बात करें तो सबसे पहला कारण तो ये है कि इनकी 15 मार्च से इनकी जो है वो शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। अब देखिए जो शनि की महादशा है इनकी वो 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। अभी तक ये जो थे ये गुरु की महादशा के अंदर चल रहे थे, जो कि लग्न के अंदर बैठे हुए थे देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति इनके लग्न के अंदर थे और इनके 5वें घर के स्वामी थे, यानी कि जो बुद्धि के कारक थे उसके स्वामी थे। तो कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति जो थे वो इनको डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे। पिछले 16 साल से इनका जो करियर है बहुत ही ज्यादा अच्छा चला, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ देखने को इन्हें मिली। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इनकी 15 मार्च से इनकी शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। अब शनि की जो महादशा होती है, देखिए शनि दुख के कारक माने जाते हैं, शनि जो होते हैं चीजों को डिले के कारक माने जाते हैं, रुकावट के कारक माने जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स के कारक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनकी जिंदगी के अंदर ऑब्स्टेकल्स, रुकावट, दुख, ये सब जो है थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आएगा, क्योंकि शनि की महादशा इनके ऊपर शुरू हो चुकी है। तो 15 मार्च से शनि की महादशा इनकी 2024 में शुरू हुई है, और ये जो शनि की महादशा है
18 साल तक रहेगी, यानी कि 2042 तक अब इनकी शनि की महादशा ही चलने वाली है। अब शनि की बात अगर हम करें तो शनि इनके जो है छठे घर के कारक हैं। देखिए छठे घर के कारक की जब दशा आती है तो देखिए छठा घर जो होता है रोग ऋण और शत्रु का होता है, यानी कि अब इनकी जिंदगी के अंदर जो रोग हैं और शत्रु हैं काफी प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि शनि की महादशा है और शनि रोग ऋण और इन चीजों के कारक इनकी कुंडली के अंदर शत्रुओं के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे इन्हें थोड़ा सा दुख देखने को अभी मिल सकता है, तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है। दूसरी बात देखिए अगर हम गोचर कुंडली की तरफ चलते हैं कि तो गोचर कुंडली में सूर्य और राहु की जो युति हुई इनकी, देखिए इनका जो अरेस्ट हुआ है मार्च में ही क्यों हुआ, क्योंकि सूर्य और राहु की जो युति है इनकी कुंडली के अंदर बनी हुई है। बहुत ध्यान से समझते हैं, जो सूर्य होता है वो सरकार का कारक होता है और राहु जो होता है कहीं ना कहीं सरकार से बदनामी का कारक माना जाता है, सरकार से कष्ट का कारक माना जाता है, और ये जो युति है ये 8th हाउस के अंदर बची है और जो 8th हाउस होता है वैसे भी वो कष्ट का स्थान माना जाता है, तो कष्ट स्थान के अंदर में सूर्य और राहु की युति होना, सरकार से कष्ट इन्हें देखने को मिला, क्योंकि सूर्य और राहु की जो युति है इनके कष्ट स्थान के अंदर वो आकर बन गई, मार्च के महीने में आकर बनी, इसीलिए इन्हें सरकार से काफी ज्यादा कष्ट देखने को मिल रहा है। सूर्य सरकार होता है, राहु कष्ट होता है, कष्ट स्थान के अंदर ही दोनों बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर था। और देखिए ये जो युति बनी है ये इनकी 12 नंबर यानी कि मीन राशि के अंदर बनी है। अब मीन राशि भी काफी ज्यादा डोनेशन को और जेल को डिनोट करती है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार से कष्ट मिला उसकी वजह से इन्हें जेल के दर्शन करने पड़ चुके हैं, तो ये इनका यहाँ से हम देख के बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इन्हें नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। और दूसरा जो फैक्टर आया वो आया शनि मंगल की युति। देखिए इनकी जो 7th हाउस है वहां पर शनि मंगल की युति है। अब देखिए जो इंसान का 7th हाउस होता है वो सामने वाले जो लोग होते हैं वो इंसान का सामने वाला जो लोग होते हैं उनको डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं जो इंसान के सामने वाले लोग हैं वो शनि और मंगल की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि एग्रेशन होगा, काफी ज्यादा गुस्सा होगा, रिवोल्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो सब भी इनको यहाँ पर शनि मंगल की वजह से देखने को मिला और ये इसीलिए ये जेल चले गए हैं। और दूसरा बात देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी आ रहा है कि इनका जो 2nd हाउस है समय, देखिए केतु जो है इनके गोचर कुंडली में 2nd हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। केतु का काम होता है लोगों को सेपरेट कर देना, लोगों को अलग कर देना, और जब इनके 2nd हाउस के अंदर केतु आकर चले गए हैं, 2nd हाउस जो होता है इंसान का वो परिवार का हाउस होता है, इनकी फैमिली का हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं केतु के इस घर में होने से इनको फैमिली के साथ भी अभी बिछड़ना पड़ चुका है, क्योंकि जेल में रहेंगे तो जेल में तो अकेले ही रहेंगे, परिवार तो वहां पे जाएगा नहीं, तो केतु 2nd घर के अंदर है, सूर्य राहु 8वें घर के अंदर है, शनि मंगल 7वें घर के अंदर है, एक कंबाइंड एक इनका पूरा एक योग बन गया जिसकी वजह से इनको जेल के दर्शन करने पड़ गए और जेल अब ये जा चुके हैं। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए शनि की महादशा चलेगी इनकी, शनि की महादशा के अंदर इस समय शनि की जो अंतरदशा है वो भी इनकी चलेगी। अब शनि महादशा और शनि अंतरदशा जब तक इनकी चलेगी तब तक जीवन के अंदर इनके कष्ट रहेंगे, तब तक इनके जीवन के अंदर काफी ज्यादा दुख देखने को मिल सकते हैं। सूर्य जो है देखिए 15 मार्च से इनके 8वें घर के अंदर आ चुके हैं, जब तक सूर्य इनके 8वें घर के अंदर रहेंगे तब तक जो है सरकार से कष्ट इन्हें ज्यादा रहेगा। सूर्य जो होंगे वो 15 अप्रैल के आसपास, अगर हम बात करें देखिए 15 अप्रैल के आसपास जो सूर्य होंगे वो इनके 9वें घर के अंदर मूव कर जाएंगे। अब जब सूर्य इनके 9वें घर के अंदर मूव करेंगे तब जुपिटर और सूर्य की युति बनेगी, उस समय इन्हें सरकार से रिलीफ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो पूरा मार्च का महीना है, आगे वाला अप्रैल का जो शुरू के दिन है, सरकार से किसी भी तरह की राहत की उम्मीद करना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, इन्हें थोड़ा सा कष्ट अभी रहेगा। अगले महीने 15 अप्रैल के बाद इन्हें हो सकता है थोड़ी सी शांति देखने को मिले, लेकिन कष्ट का समय इनका शुरू हो चुका है। आगे आने वाला जो पूरा 2024 का साल है थोड़ा सा कष्टकारी ही इनके लिए रहेगा। सूर्य की घट इनकी जो दशा है, शनि की जो दशा है इनकी इस समय शुरू हो चुकी है, तो ये इनका जो पूरा हमने चार्ट का एनालिसिस किया है जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा अभी परेशानी देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम बेसिक से एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करके आप हमसे एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।